केसरी लाल यादव सर की एक मूवी आ रही है, मूवी का नाम होने वाला लाडला दो। इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया है, ठीक है। कब आया है ये तो बता दूं, ये आया है 2 दिन पहले, जी हाँ 14 तारीख को ये ट्रेलर आया है। आज मैं 16 तारीख को इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखो 14 तारीख को 2 दिन पहले आया है, ठीक है। 3,40,000 व्यूज हो चुके हैं इस पे, एंड लंबा है एक्चुअल में ट्रेलर, 4 मिनट 6 सेकंड का है, मतलब लंबा है। तो इसका मतलब इसमें गाने होंगे, और जहाँ जहाँ गाने होंगे बाम इसकी इस वॉल्यूम को बंद कर देंगे, ठीक है। 4K में सप्ताल की जो है हिंदी में है, भोजपुरी का तड़के के साथ, तो मजा आने वाला है। तो डाउन कर लेते हैं, 3, 2, 1 चालू। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ओ भाई शुरू में गाना आ गया भाई, चलो आज पर दिखा लगा था कि मामला समझे। ओके अरे घोचू इन लंदन हा, यहाँ 2 मिनट ना लगेला प्रपोज करे में, इतना सोचा मत भाई। हमारे को बात कह ले कि प्यार उकरे से करे के चाहिए ना, जी थोड़ा से करे। बड़ा माई की बात माने ला, बड़ा माई की बात मानता है। सोचा था नहीं जाना लेकी के बारे में तू चर्चा कर दे लो, वो करे के तुर बहु बने। ए मुटकी से शादी कर बे। माई पसंद आवे हो भाई, बहु करेंगे परी। अगर शादी से पहले ये सब हो रहा है तो शादी के बाद क्या होगा? तुम मुझे लाइक करते हो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, फिर बीच में उसकी माँ की माँ का नाम लेने का नहीं, माँ का नाम लेने का नहीं। लड़की को भी मार दिया भाई। अभी तो आप ठीक थे, हमारा भगवान के क्यों कुछ बोली, हम कैसे चुप रहते। आप ऐसे रोता नहीं कि हम के बेटे की आपसे छीना था नहीं, वो प्लान सक्सेस हुआ। समर पहले षड्यंत्र रच रही है क्या लड़की? शादी होने के बाद बीवी के सामने सबसे पहले माँ को ही भूल जाते। हाँ मुझे लग रहा है कुछ इनका यही मोटो है। हमरा की आपन होके वाला पति चाहिए, आपन माँ के पल्लू से बांधा लेगो बच्चा ना। ये तो भड़का रही है भाई, ये लड़ाई करवा रही है। तो अबे मैं भूल गया भाई, कॉपीराइट में पागल हो गया हूँ। मार होके वाला पति हमार सुने खुश मीठू मीठू बोलिया। माँ ने तो हाँ कर दी भाई लड़के के। अगर तो कि तुहार 6 महीने के प्यार हमारा माई के 25 साल के दुलार पर भारी पड़ जाए। अगर तोहरा लगा था कि तोहरा दुपट्टा के छा हमारा माई के अचरा पर भारी पड़ जाए। अगर तुम चाहती हो तो हमार बेटा तो यात्रा के बिना जी ना पाए, लगा था हमरे के एक बार शर्त मानने की पड़ी। लगता है मुझे इनकी शर्त माननी पड़ेगी। ओके फुल गेम खेला जा रहा है भाई। हम कबो अपन घर के पतो ना बनाए। गाने बहुत है यार। यात्रा के रिश्ता तो मात्र 6 महीना के बाद, तब हम यात्रा खाती इतना तड़पाता नहीं। कैसे झूम रहा भाई हो? बाबूजी के नाम लगा दी और आज भी मंगलसूत्र उनके नाम की पहने ले। कहीं अपना प्रतिशोध के आग में हम अपना माई के प्यार की आहुति तना दे देने। माई को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? बच्चा। दुनिया के हर रिश्ता में कुछ ना कुछ अधूरा आधा होला। ये घुमाइए के प्यार बा कि दूसरा के प्यार से 9 महीना ज्यादा होला। हमार जीए खातिर हमार बेटा ही काफी बा। सही बात, माफी तो ना दे। एक माँ और बेटे की, ठीक है, प्यारी कहानी दिखाई जा रही है, लेकिन बस उसमें हल्की सी एक दीवार बनकर एक लड़की आ गई है। अब वो चाहती है कि जो वो उसकी माँ है, मतलब वो अब उनसे अलग हो जाए लड़के से, अब लड़का मेरे पास ही रहे हमेशा के लिए, ठीक है। बट ऑफकोर्स भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना, जिस माँ ने हमें बचपन से लेके मतलब जब तक शादी तक हमें पाला है, हम उसे छोड़ दें और किसी और के साथ चले जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आई नो ये लड़की के साथ भी होता है, लड़की अपने परिवार वालों को छोड़कर एक अनजान परिवार में आती है, ठीक है, ये भी एक बात है। लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि वो अपनी माँ को छोड़ दे, ठीक है। लड़का तो अपनी माँ को छोड़ दे वो तो सही बात नहीं है ना, तो वो नहीं छोड़ेगा। मुझे लग रहा है ये लास्ट में ना जो ये शादी हो रही है, ये शादी के मंडप में है, और ये इन्होंने शादी के मंडप को छोड़कर ये अपनी माँ के साथ बाहर जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मंडप से बाहर निकल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब शादी नहीं कर रहे। इन शॉर्ट मुझे लगता है लड़की से शादी नहीं होगी, ठीक है। फिर लड़की आग लगाने की कोशिश कर रही है माँ और बेटे को, मतलब माँ और बेटे के बीच में, और वो एक दूसरे को अलग करने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि बेटा कभी माँ से ना मिले और माँ कभी भी बेटे से ना मिले, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर तो एक सीन भी दिखाया है कि जब लड़की ने माँ के बारे में गलत कहा तो उसने तो पंच मार दिया वे, लड़की के पंच मार दिया भाई। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, फिर बीच में उसकी उसकी माँ, तो ये इन्हीं को ही कह रही थी माँ की ये
तेनु तो लड़की को पंच मार दिया भाई, हैरेसमेंट का केस ना हो जाए। बाकी मुझे अच्छा लगा, बाकी तुम जरूर सब अपना ओपिनियन अपना नजरिया मतलब अपना नजरिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। मुझे अच्छा लगा इसका मतलब डायरेक्शन, प्रोडक्शन, स्टोरी लाइन अच्छी लगी, सर की एक्टिंग अच्छी लगी, ठीक है, कि खेसारी लाल यादव सर की और मेघा श्री मैम की भी एक्टिंग अच्छी लगी, बाकी जोड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, खेसारी लाल यादव सर की भी और मेघा श्री मैम की भी, बाकी एक साइड उनकी मम्मी की और उनकी भी जोड़ी अच्छी लग रही है, तो कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे को ब्लेंड कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। और गाने कुछ ज़्यादा ही हैं लेकिन, ठीक है, मतलब ट्रेलर में हमें इस चीज़ का एहसास हो गया कि हल्का सा सीन आया, हल्का सा एक शॉट आया, फिर एक गाना आया, शॉट आया, गाना आया, शॉट आया, गाना आया, तो ये चल रहा था, ये कहीं ना कहीं अजीब है। और मुझे लग रहा है इसको कॉपीराइट ना आ जाए, अभी मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि इसके गाने में बंद कर दूँ एडिटिंग के उसमें भी। बाकी तुम जरूर अपना ओपिनियन बताओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ठोक दो दोस्तों, ठोक दो, ऐसे कर दो, मुक्के बजा दो भाई साहब, या फिर प्यार से भी कर सकते हो ऐसे। बाकी मैं चलता हूँ, लेता हूँ विदा, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।